17 जुलाई से द क्यू टीवी पर शुरू होने जा रहा है हास्य धारावाहिक सीरियल दम लगा के हंसना, जिसके प्रमोशन के लिए शो की स्टार कास्ट सोमवार को भोपाल पहुंची, जहां मृदुभाषी न्यूज से खास चर्चा में उन्होंने सीरियल को लेकर अपने अनुभव साझा किए। 17 जुलाई से क्यू टीवी पर शुरू होने जा रहा है दम लगा के हंसना का स्टार कास्ट, इस वक्त कोई वक्त हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। सर, आपका नया शो क्यू टीवी पर शुरू होने जा रहा है, क्या पूरा शो है, किस तरह का उसमें अभिनय आता है? हाँ, देखिए पूरे शो के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊँगा, आप लोग शो देखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन एक छोटा सा एक वन लाइनर दे सकता हूँ कि ये शो एक कॉमेडी शो है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, और हमारी स्टार कास्ट ने इसमें पूरी कोशिश की आप सबको गुदगुदाने या हंसाने की, तो आप सबका इसीलिए हम लोग को सहयोग चाहिए कि आप उसको देखें, एंजॉय करें, अपने परिवार के साथ एंजॉय करें। और एक अगर वन लाइनर शो का कमी है तो इसमें कुछ हम लोगों ने ऐसी कंडीशंस लेके आए हैं कि भैया पैसे के लिए एक दोस्त अपने दोस्त को ही अपनी वाइफ बना के लड़की बना के शादी कर लेता है, और घर की जायदाद वगैरह पे थोड़ा सा उसको हम लोग खींचते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट हमारी फैमिली पे क्या क्या पड़ता है, तो उसमें कुछ अच्छे अच्छे पल ऐसे निकल के आते हैं जिसमें आपको हंसी खा के लगाने का मौका मिलता है। तो शो का नाम है दम लगा के हंसना। आज तक हम देख रहे हैं कि तनाव भरी जिंदगी है, उसमें आप लोगों को फील क्या हंसाएंगे, क्योंकि हर लोग तनाव में कहीं नहीं रहे होंगे, चाहे कोरोना की बात करें या और कुछ बात करें, अब कैसे लोगों को हंसाएंगे दम लगा के हंसना? दम लगा के हंसना का मोटिव हमारा यही है कि लोग इस कंडीशन में बहुत ही बुरी बुरी सिचुएशन से जूझे हैं, हम लोग खुद जूझे हैं, आप भी जूझे होंगे, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि चलो अब वो सिचुएशन जा रही है तो उसको भूलकर कुछ नया हम अपनाएं और अपना लाइफस्टाइल वापस प्लेटफॉर्म पर लेके आए और हंसी खुशी उसको आगे बढ़ाते चले। बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, तो अब आप यहाँ पर छोटे पर्दे पे खींचने जा रहे हैं, तो कितना आपका मतलब स्ट्रगल रहा है यहाँ तक सोचने की आपका आपकी लाइफ में, कहाँ से आपने शुरुआत की? देखिए अगर स्ट्रगल की बात की तो हर बंदे की एक पर्सनल स्ट्रगल कहीं ना कहीं होती है, चाहे वो आपकी हो चाहे हमारी हो, तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है शुरू से लेकर अभी तक, इस प्रोडक्शन को बनाने से लेके उसमें काम करने तक, और फिर हम लोगों ने अच्छा सिलेक्शन किया ताकि हम आप लोगों के सामने कुछ अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें, बस ये हमारी कोशिश है आगे भी जारी रहेगी। अगर बोला जाए तो हम लोगों का लॉकडाउन ही टर्निंग पॉइंट रहा, इसकी वजह से हम लोगों को थोड़ी मुसीबतें भी सामना करना पड़ा कि भैया कैसे करेंगे क्या होगा, क्योंकि एक टीम के साथ काम करना है और गाइडलाइंस ऐसी है कि हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग भी करना है, बीमारी से ही बचना है, सब कुछ फॉलो करते हुए बस यही एक रहा, बाकी तो फिर सब कुछ इसमें हो गया ऊपर वाले और आप सब लोगों के आशीर्वाद से। ये थे हमारे साथ स्टार कास्ट की टीम के हिस्से से, जो कह रहे हैं कि इनका जो टर्निंग पॉइंट है वो लॉकडाउन रहा है, यानी काफ़ी स्ट्रगल किया है, और भी मेंबर हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम आप भी उतना कहेंगे कि इस तरह का आपका नॉलेज और इस तरह का लोगों को बताएंगे। और आम जिंदगी में तनाव की भी जिंदगी गुजरती है, और शो के ऊपर आप बताएंगे तो कितना स्ट्रगल है? तो ये हमारा पूरी स्टार कास्ट थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिंदगी में परेशानियां बनी हुई हैं, तनाव बना हुआ है, लेकिन जिंदगी में हंसना भी बहुत जरूरी है। मोहम्मद ताहिर खान, मृदुभाषी न्यूज, भोपाल। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।